मैं नहीं मानती। कोई तो है जिसने फोन करके अम्मा और पुप्पो को डांट पड़वाई है। कौन है वो? फिर मैं हूं वो शेर की बच्ची जिसने सुसर जी को फोन किया था। आपने? लेकिन क्यों? क्योंकि अनकरीब वो एक दूसरे के हेयर स्टाइल बदलने वाली थी। फिर अब्बा जी ना उनकी खांसी की दवाओं के बजाय उनके गंजेपन का इलाज करवा रहे होते। खैर रहने दे, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है बेटा, तुम्हें तब पता चलता जब तुम्हारी शादी पे वो दोनों अपने साड़ी के पल्लुओं से ना अपनी टिंडे छुपा रही होती। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने सोचा हालात बताऊं अब्बा जी को ताकि वो शादी के बारे में कुछ करें, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। लेकिन आपकी इस भलाई के बाद वो मजीद भड़क गई हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो गई हैं। अच्छा एक बात सुनो, एक नुस्खा है मेरे पास। क्या? अच्छा ये ठीक रहेगा? 100% आजमा के देख लो तुम। ठीक है पोपी, तुम हमारी बातें सुन रहे थे ना और हंस रहे थे, होमवर्क तो करना नहीं है तुमने, दिखाओ उसका क्या है। मामी मेरे तो अब्बू भी बहुत हो गए थे, अब मेरी अम्मी, मैं इस दुनिया में अकेला रह जाऊंगा मामी। नहीं मेरे बच्चे भी सब थे तो तू अकेला क्यों रहने लगा? मैं हूँ ना तेरी मामी, तू मेरे पास रहेगा है। मामी आप ना अपना दिल साफ कर ले, अभी को माफ कर दे। हाँ हाँ मैं क्यों नहीं माफ करूंगी, मैं अपनी नाजिमा को माफ भी कर दूंगी, दिल भी साफ कर दूंगी। मुझे क्या पता था कि उस निगोड़ी को इतनी तकलीफ है। हाय अल्लाह, जब वो मेरे पास माफी मांगने आएगी बेटा मैं फौरन माफ कर दूंगी। मतलब क्या अम्मी को आना पड़ेगा कि आपके पास माफी मांगने? हाँ तो बेटा जो जा रहा होता है ऊपर उसी को तो आना पड़ता है माफी मांगने के लिए। जैसे हज पे जो जा रहे होते हैं वो खुद ही मिलने आते हैं ना। वो तो और बात है कि वापसी पर लोग मुबारकबाद देने जाते हैं ताकि अच्छी अच्छी खजूरें, अच्छी अच्छी जानमाजें, तस्बियां, चिज्जियां विज्जियां जो सऊदी अरब की होती है ना उस मारे वो चले जाते। लेकिन मामी अम्मी हज पे थोड़ी जा रही है। हज पे नहीं जा रही, लेकिन देखो ना जहाँ वो जा रही है वहां से तो कोई वापस भी नहीं आता। हज पे तो ये फायदा है कम से कम वापस ही आ जाती। वैसे तो मैं कहती हूँ हज पे जाती तो अच्छा ही था, वहां की मट्टी नसीब हो जाती निगोड़ी को। वो तो ऐसी जगह जा रही है वापसी मुमकिन नहीं है। अरे 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 नाजमा मुझे क्या पता था। अरे नाजमा तो मनने लगी, आए मर जाएगी ना, आए तेरी माँ मनने वाली है। आए हाय बेटा मेरे तो अब सोचा कितना बड़ा मतलब, हाय भी नाजमा तुम मर जाएगी तो कैसा लगेगा, बाद में बता भी नहीं सकेगी कैसे मर। ये क्या कह रही है? मेरे भाईजान तो परदेश में रंडवे हो जाएंगे, कौन लेकर आएगा उन्हें, कैसे आएंगे वो यहाँ तक? अब्बा आ जाएंगे पुप्पो, बस आप ना अम्मा की तरफ से दिल साफ कर लो। अरे मेरे दिल में कोई मैल नहीं है उनके लिए, बस उनके दिल में ना कुफर भरा रहता है। मुझे पता होता कि भाभी की बड़बड़ करती जबाने से बंद हो जाएगी तो कभी एक लफ्ज भी ना बोलती ना। पुप्पो मैं तो तना हो जाऊंगी, अब्बा तो वैसे ही आने। हाय मेरी बच्ची, तेरी पुप्पी को अल्लाह रखे, मैं हूं ना फिर सीने से लगा के रखूंगी मैं तुझे। पुप्पो आप बस ना अम्मा से माफी मांग लो, आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा, मांग लो ना माफी। मनाल ऐसी बातें करके मुझे गुनहगार ना कर, मैं तो अपनी भाभी से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। बाकी अभी जाकर भाभी को देखकर आती हूँ, पता नहीं फिर देखना नसीब हो या ना हो मेरी भाभी। हो गया काम। बिल्लू कहाँ चला गया? किधर गया? बिल्लू बात सुनो जल्दी आओ, छोड़ो ना खाली रहना हर वक्त। हम ना एक बात बतानी है। वो क्या? पुप्पो माफी मांगने के लिए तैयार हो गई है। क्या वाकई? सॉरी सॉरी क्या वाकई? हाँ। अरे वाह ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं काम करता हूँ अभी जाता हूँ और मिठाई का डब्बा लेकर आता हूँ। हेलो इधर आओ, मिठाई किस लिए? अरे जब अंदर इनकी सुलह हो रही होगी ना तो हम रिहाना भाभी के हाथ मिठाई का डब्बा अंदर भिजवा देंगे और बोलेंगे कि साथ ही साथ हमारा रिश्ता भी पक्का कर ले। शादी करने की बड़ी जल्दी है तुम्हें, पहले जाकर मन्नत का बकरा चढ़ाओ ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए।
बकरा? हाँ। इतनी महंगी मन्नत? अरे मुर्गी से काम चला लेते ना। बिल्लू मैं जा रहा हूँ तो शादी हुई नहीं है, खर्चे पहले शुरू हो गए। जल्दी आना। आ जाऊंगा। ये ना बिल्कुल अपनी माँ पर गया, जरा भी पैसे नहीं खर्च करता। हाय भाभी अज़रा। अरे नाज़िमा। अरे अरे मेरी प्यारी नाज़िमा। भाभी मुझे पता था कि हम यूं बिछड़ने वाले हैं। कभी तुम्हें कुछ ना कहती, कभी ना लड़ती, कभी ना। अरे मैं भी तुझसे कभी ना लड़ती, मुझे क्या पता था मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी, मैं किसका मुंह नोचूंगी। अब हाय अल्लाह, मेरे तुझसे बड़ी लड़ाई है। फिक्र ना करो भाभी, अल्लाह असबाब बनाने वाला है, आ जाएंगे कोई कीड़े मकोड़े बिच्छू दिल लगाने को। अरे नाज़िमा ऐसी बातें ना कर, ऐसे ना कर, देख मैंने तुझसे बड़ी ज्यादा की। तू एक काम कर, तू मुझे माफ कर दे, मेरी सारी गलतियों पे मुझे माफ कर दे प्लीज। नहीं भाभी, आज मुझे माफी मांग ले, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले, बस भाभी तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तो माफ किया। मैंने भी तुझे माफ किया। मैंने माफ किया। अरे मैंने कर दिया ना माफ। अरे मैं जो कह रही मैंने माफ कर दिया। भाभी सुनो। हाँ। मेरा एक काम कर दो। हाँ बताओ ना क्या काम है, आखिरी वक्त चल रहा है तेरा, आखिरी काम है, क्यों नहीं करूंगी मैं तेरे काम। भाभी वहां जाके बिल्लू के अब्बा से कहना कि मैं उसकी कोई बात नहीं भूली, उसकी मोहब्बत याद है मुझे, और अम्मा से कहना कि अम्मा की ख्वाहिश मैं पूरी करूँ, बिल्लू और मन्नू की शादी मैं करूँ। हाय नाज़िमा तेरा तो दिमाग ही चल गया ना सदमे से। देख मैं नहीं जा रही ऊपर, तू जा रही है, खुद ही जाके कर लीजिए सारी बातें उनसे। है नहीं नहीं भाभी, बीमारी में ऐसा हो जाता कोई बात नहीं, वो डॉक्टर ने बताया नहीं है कि मुंह के कैंसर से मरने वाली हो। मनाल तो मुझे ये कह रही थी। हैं मनाल तेरा बेड़ा गर्क, तो ठंडी सड़क आए, मुझे तो बिल्लू ने कहा कि तुझे यरकान है काला, काला यरकान है तुझे। सत्यानाश हो जाए बिल्लू तेरा, शादी करने के लिए माँ को मरवा रहा है। अरे बेगैरत, आज नहीं मैं छोड़ूंगी तुझे, आज नहीं मैं छोड़ूंगी तुझे बिल्लू। भाग भाग बिल्लू भाग।